फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिडन इन्फिनिटी ब्लॉग्स। आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे बहुत नजदीक है और हम सब हमारे वैलेंटाइंस के साथ में बहुत अच्छे से हमारा वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे आसपास देश में बहुत कोरोना फैला हुआ है, इसलिए हम लोग बाहर जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप घर में ही एक वैलेंटाइंस डे का शानदार सा सेटअप कैसे कर सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत हेल्प करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। किसी भी सेटअप को करने से पहले हम उसकी जगह फाइनलाइज करते हैं और आज मैंने चूज की है अपनी ये बालकनी। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मेरी ये बालकनी बहुत लंबी है और इसका व्यू भी बहुत सरीन है। मैं इसलिए इसके मिडल में आज अपना सेटअप करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने एक ग्रे कार्पेट लिया है और उसे बालकनी में बिछा दिया है। फिर मैंने ली है एक सोफा मैट्रेस, आप चाहें तो कोई भी गद्दा ले सकते हैं, और उसके ऊपर बिछा दी है एक लाइट कलर की चादर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइट बेडशीट के ऊपर मैंने वाइब्रेंट से कुशन्स लगा दिए हैं। मैंने दो कुशन्स लगाए हैं, उसके बाद में एक थ्रो पिलो और उसके बाद में दो कुशन्स फिर से। ये कुशन कवर्स मैंने सब बाय किए हैं अमेज़न से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए ये कुशन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं लगने के बाद में। मेरे पास में दो कुशन्स एक्स्ट्रा थे तो मैंने उन्हें कारपेट पर रैंडमली डाल दिया। मेरे पास एक ड्राई फ्रूट्स की स्पेयर प्लेट रखी हुई थी तो मैंने उसे नीचे प्लेस किया और उसके ऊपर एक प्लांटर जिसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ था वो प्लेस कर दिया। प्लांट्स हमेशा आपके डेकोर को एक बहुत ही फ्रेश लुक देते हैं, इसलिए मैंने इसे इन्वॉल्व किया मेरे डेकोर में। फिर मैंने लिया एक पट्टा और उसके ऊपर रखी मैंने DIY की हुई फेरी ट्री। ये रात को एक ब्यूटीफुल सा एम्बियंस क्रिएट कर देगी हमारे डेकोर में। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं मेरे पास दो लैंटर्न्स है, इन्हें मैं मैट्रेस के आसपास सेट करने वाली हूँ। फिर मैंने रखा है एक बारबेक्यू और उसके ऊपर टेबल टॉप क्रिएट करने के लिए रखी है एक राजस्थानी ट्रे। उसके ऊपर मैंने रखी है डेकोर से मैच करती हुई दो ग्लासेस। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा टेबल टॉप क्रिएट हो गया है, हम इसे अपनी डेट में आराम से यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक लैपटॉप टेबल ली है और उसे अपने कार्पेट के ऊपर प्लेस किया है। उस टेबल के ऊपर मैंने रखा है एक ग्रीन प्लांट अलोंग विथ अ लाइटर एंड अ कैंडल। अगर आपके पार्टनर भी मेरे पार्टनर की तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो आप उन्हें गिफ्ट में बुक्स दे सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमारा फाइनली डेकोर कैसा लग रहा है। चलिए ये तो हुई हमारे डे सेटअप की बात, आइए अब हम देखते हैं कि रात को हमारा सेटअप कैसा लग रहा था। इस सेटअप में मैंने एड ऑन करने के लिए दो बाउल्स लिए और उनमें फ्लोटिंग दियास डाल दिए थे। फिर मैंने लैंटर्न में रखे हुए दियो को लाइटर की मदद से लाइटन अप कर दिया है। देखिए ये एम्बियंस में कितना रोमांटिक फील एड कर रहा है। ये फेरी ट्री जो हमने दिन में प्लेस की थी, देखिए लाइट ऑन होने पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लाइटिंग्स तो बहुत हो गई एम्बियंस के अंदर, पर अब खुशबू भी एड ऑन करनी जरूरी है, इसलिए मैंने ये अरोमा कैंडल को जला दिया है। और अगर आपकी डेट रात को है तो
तो आप बुक्स की जगह पे वाइन ग्लासेस रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका वैलेंटाइन डे कैसा रहा, और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप मेरे न्यू वीडियोस किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं होम डेकोर से रिलेटेड। इस वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन बाय।